हर हर महादेव। हम बनारस काशी विश्वनाथ पहुँचे भगवान शिव के दर्शन करने और सबसे पुरानी नगरी का आनंद लेने। ये आप देख रहे हैं भव्य रेलवे स्टेशन, जहां हम अपने मित्रों के साथ पहुँचे और बाबा के दर्शन करने का जो हमारी इच्छा थी उसका पहला पड़ाव। जब यहां आप आते हैं तो आपको शहर जाने के लिए टैक्सियां, ऑटो, बस, कई तरह के साधन मिल जाते हैं, परंतु हमें तो आनंद आया ऑटो में घूम के, क्योंकि ये ऑटो आपको काशी विश्वनाथ बनारस की गलियों गलियों में, पतली पतली गलियों में ले जाएगा, क्योंकि काशी जो है वो गलियों का ही शहर तो है, तो उस पर ऑटो में घूमने का आनंद ही कुछ और था। जो छोटी छोटी सी गलियां हैं इसमें बड़ी मुश्किल से एक ऑटो और टू व्हीलर निकलते हैं, तो हमने इस आनंद को भी चूका नहीं, इस आनंद को भी आनंद से महसूस किया। इस ऑटो में सवार होकर हम अपने होटल की तरफ गए। होटल पहले करके आए, हमें बड़ी परेशानी हुई थी। आप होटल, व्हीकल्स, ये सारी सुविधाएं जो भी आपको लगनी है पहले से करके आए तो आपको बहुत आसान होगी। इसके बाद हम लोग घाट पे दर्शन करने के लिए, जो आप रास्ता देख रहे हैं इस रास्ते से गए। बहुत भीड़ थी, इस वीडियो में अभी कम दिखाई दे रही है, जब हम आगे रात का वीडियो आपको दिखाएंगे तो आपको भीड़ बहुत दिखेगी, हजारों लाखों लोग जिस समय हम गए थे उस समय वहाँ पर थे। परंतु असुविधा केवल ये थी कि होटल्स, आपको आने जाने के रिक्शा, ऑटो वगैरह की बड़ी दिक्कत हो रही थी। ये घाट है, इस घाट से उस पार जाने के लिए आपको बहुत सारे साधन मिलते हैं, और ये शाम का समय, इस समय आरती होती है, तो आरती में आपको 500 रुपये, 1000, 2000, अलग अलग तरह की बोटेस होते हैं, सैकड़ों बोट वहाँ आरती के पास जाके खड़ी हो जाती हैं और आप आरती का आनंद लेते हैं। ये घाट है, इस घाट पर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और इसी घाट से सामने की तरफ नहाने का एक सुंदर घाट है, साफ़ सुथरा है। घाट के इस तरफ थोड़ी सी गंदगी देखी, निराशा हुई, परंतु जब लाखों लोग वहाँ पर आते हैं तो ऐसी स्थिति बनना भी स्वाभाविक है। परंतु हमने जो स्नान किया वो घाट के उस तरफ किया, वहाँ साफ़ सुथरी रेत थी, वहाँ पर आपको 50 रुपये, 30 रुपये, अलग अलग टाइप की जो नावें हैं वो ले जाती हैं, और बहुत अच्छा अनुभव होता है। आधे घंटे के लिए आपको उस तरफ छोड़ देते हैं, आप वहाँ नहाइए, मस्ती मजाक करिए, बहुत साफ़ सुथरा पानी, बहुत अच्छा वातावरण। घाट के इस तरफ 84 घाट हैं, आप पैदल पैदल सारे घाटों का आनंद ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारे घाट दिखाई देते हैं। शाम को यहीं आरती होती है, हमने अपने चैनल में शाम की आरती भी कई तरह के डाली है। इस वीडियो में बाबा के दर्शन आपको दिखाएंगे। ये देखिए बोट इस तरह से उस पार तक ले जाती है, और वहाँ आधे घंटे का समय मिलता है, आप वहाँ पर साफ सुंदर पानी में नहा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, ज़्यादा गहरा भी नहीं है और बहुत अच्छी अनुभूति होती है। ये देखिए उस तरफ साफ़ सुथरी रेत है, जबकि इस तरफ जो है वो बहुत गंदगी है। ये 84 घाट हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। पैदल अगर आप चल सकते हैं तो पैदल करिए, वरना आपको नाव से हो जाता है। ये रात को देखिए बाजार, यहाँ पे ये लाइव आरती का स्क्रीन लगी हुई है जिसमें लाइव आरती दिखाई देती है। ये मार्केट है जिसमें रात को देखिए आप कितनी भीड़ है। खाने के रेस्टोरेंट वगैरह में भी आपको बहुत भीड़ मिलेगी, तो आप पहले से जब सारी चीज़ें खोज के समझ के करके जाएंगे तो आपको असुविधाएं कम होंगी। और यहाँ पे आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह पर रास्ते बंद थे, तो वहाँ पे ऑटो रिक्शा का जाना भी प्रतिबंधित था। ये देखिए इसमें आरती दिखाई देती है स्क्रीन में। इसके बाद हम लोग निकले बाबा के दर्शन के लिए, पूरी टोली के साथ नाचते गाते हुए, भगवानों के जयकारे लगाते हुए, ढमरू बजाते हुए, बड़ा आनंद महसूस किया। लोग भी वहाँ पर हमें भी देख रहे थे, बाबा के नारे भी लगा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे, बम बम बोले, जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए हम बाबा के दर्शन करने पहुँचे। अब आप देखिए बाबा के दर्शन करवाते हैं, ऐसे सुंदर वहाँ पे शिव भोलेनाथ विराजमान हैं। आप मंदिर परिसर में भी जाएंगे तो बहुत लंबी लंबी लाइन है, कुछ लोग आपको बीच में घुसा देते हैं, परेशानियाँ आती हैं, परंतु जब आप दर्शन भगवान के करते हैं तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। यहाँ के बाबा के दर्शन का आनंद ही कुछ और है, और
प्रसादी वगैरह भी आपको मंदिर परिसर के अंदर ही मिल जाती है, बाहर से भी आप प्रसादी लेके जा सकते हैं। बहरहाल हमारा जो अनुभव था बहुत अच्छा था, ज्ञानवापी भी हमने देखी जो सामने ही थी। आप भी देखिए, बाबा के दर्शन करिए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।